राजकीय प्राथमिक पाठशाला राजा के तालाब में शनिवार को समग्र शिक्षा अभियान जिला कांगड़ा की ओर से एक दिवसीय शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कार्यक्रम को देखकर सामने आया कि सरकार की योजनाएं धरातल पर न सिर्फ औंधे मुंह गिर रही हैं, बल्कि अध्यापकों पर बढ़ते बोझ के कारण सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। उक्त कार्यक्रम में जिला परियोजना अधिकारी DP शर्मा इस विषय पर उपस्थित सदस्यों को जानकारी बांटते रहे, लेकिन कार्यक्रम में आई हुई आशा वर्कर कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चली गई। वहीं यहां तक अधिकारियों के कहने पर भी वो नहीं रुकी। वहीं जिला परियोजना के द्वारा दी जा रही जानकारी पर स्कूलों के SMC प्रधान आग बबूला हो गए और कार्यक्रम में ही आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जितना भाषणों में बोला जाता है उतना धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। अगर इसी तरह चलता रहा तो लोग सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल देंगे। एक अध्यापक था तो उसने 2 साल में कुछ नहीं पढ़ाया था, तो मैंने डिप्टी डायरेक्टर तक भी बड़े उनके लिए किया था, मेरे सुनाई किसी ने नहीं की। सर किसी ने सुनाई मेरी नहीं की थी, लेकिन 2 साल में ना तो क्लास में गया वो और ना ही क्लास में उन्होंने पढ़ाया कुछ, ना ही कोई सवाल कराया, ना कोई लेना देना कुछ भी। जब मैं उसको बोलता था तो मुझे यही कहता था कि मेरा क्या करना है भी, तो मैं बोलता था मैं करूंगा तो जो भी करूंगा। फिर मैंने ऐसे किया, हाँ मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने 10 थानों पर कंप्लेंट की है। 10 थानों वाले बेचारे ने 1 हफ्ते में आए और उसको वहाँ से उठाकर कहीं और स्कूल में भेज दिया। 2 महीने में बच्चे कैसे इम्तिहान देंगे और कैसे पेपर देंगे, वो कोरा पेपर दे या कुछ लिखे। इस कार्यक्रम में शिक्षा खंड राजा का तालाब के अधीन विभिन्न स्कूल प्रबंधन समितियों के प्रधान, ग्राम पंचायत प्रधान, ब्लॉक समिति अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान RTE Act 2009 स्कूल प्रबंधन समितियों के कार्यक्षेत्र के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला परियोजना अधिकारी DP शर्मा, SMC कोऑर्डिनेटर कांगड़ा डॉक्टर जोगिंदर शर्मा, BPO श्रीमती सुशील गौतम, केसर सिंह, सुमन बाला, ब्लॉक समिति सदस्य नरेंद्र मनकोटिया, नेरना पंचायत प्रधान राजकुमार राजू, शशि बाला, नीलम शर्मा, राजीव कुमार, बालकृष्ण, शिक्षाखंड ज्वाली BRCC अपर प्राइमरी तरसेमलाल, मनमोहन कौल, विवेक कौशल और प्रीतम सिंह शामिल रहे। जब नींव ही पक्की नहीं होगी तो आगे चलकर वो बच्चा कैसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचेगा? उन्होंने सरकार की प्राथमिक कक्षा के बच्चों को फेल न करने की नीति पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जब किसी बच्चे को कुछ आता ही नहीं तो उसे पास करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी अध्यापक बढ़िया शिक्षित होते हैं, लेकिन उनके ऊपर पढ़ाई के अतिरिक्त कोई अन्य सरकारी बोझ न डाला जाए। वहीं बच्चों को फेल न करने की नीति को बंद करने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ऊपर है कि कम्युनिटी को कैसे स्कूलों के साथ जोड़ा जाए और स्कूलों के क्या इशू रहते हैं, उन इशूज को उनके डिस्कस करके जो इनको SMC की जो ड्यूटीज असाइंड हैं उनके प्रति उसको कैसे सचेत किया जाए, और जो हमारे सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं और जो भी हमारे सामाजिक रिटायरी आदमी सामाजिक आदमी जो गाँव में अच्छे से कार्यरत है सोशल वर्क कर रहे हैं उनको इसके साथ जोड़ा जाए कि आओ स्कूलों की मदद करो, इसकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाओ और क्वालिटी इन एजुकेशन को कैसे इनहांस किया जा सकता है इसके ऊपर चर्चा करें। फतेहपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।